दोस्तों जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस महीने आने वाली हैं 3 इम्पॉर्टेंट गाड़ियाँ। तो चलो इन गाड़ियों के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार विजिट किए हो हमारे इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों 4 साल के लंबे टाइम फ्रेम के बाद किया सेल्टोस को एक मेजर अपडेट मिलने जा रहा है इसके फेसलिफ्ट वर्जन में, और ये फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है 4 जुलाई को। इसके इंटीरियर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसका बम्पर डिज़ाइन बिल्कुल हटके होने वाला है, नया ग्रिल मिलेगा, नए LED DRLs और हेडलाइट्स होने वाले हैं। इसके अलावा रियर में कनेक्टेड LED टेल लाइट्स भी मिलने जा रही हैं। वहीं अगर इंटीरियर की बात करें तो वह पूरी तरह से अपग्रेड है जिससे यह और भी ज़्यादा मॉडर्न एंड प्रीमियम लगने वाली है। इसमें पैनारोमिक सनरूफ के अलावा डुअल 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किया सेल्टोस से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं सेफ्टी पर पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ एडास मिलने वाला है। देखा जाए तो MG एस्टर के बाद इसमें ही यह सेफ्टी फीचर देखने को मिल सकता है। वहीं कारेंस व वर्ना की तरह सेल्टोस में भी एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने जा रहा है जो मिड साइज की SUV सेगमेंट में इस गाड़ी को एक अल्ट्रा पावर देने वाला है। इसके अलावा इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों मारुति के इतिहास में इन्विक्टो सबसे महंगी गाड़ी होने जा रही है। बेसिकली ये टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का ही दूसरा अवतार है, जैसे कि टोयोटा की हाईराइडर और मारुति की ग्रैंड विटारा है। इनमें सेम इंजन, सेम साइज, सेम प्लेटफॉर्म और सेम फीचर्स मिलते हैं। वैसा ही मारुति इन्विक्टो MPV के साथ होने वाला है। इसमें भी सेम टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसे ही फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन एक अलग लुक के साथ। इसका इंटीरियर तो सेम ही रहेगा लेकिन थीम कलर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। फीचर्स जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ, 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सेकेंड रो पावर्ड ऑटोमन सीट्स देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, TPMS जैसे फीचर्स के साथ एडास सिस्टम भी देखने को मिलेगा। मारुति इन्विक्टो में 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन होगा जिसमें टोयोटा 23.24 KMPL का माइलेज क्लेम करती है। तो अब बात आती है कि टोयोटा के साथ जाएं या मारुति, आप किसे चूज करेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों होंडई एस्टर के प्राइस 10 तारीख को अनाउंस हो जाएंगे। एस्टर एक माइक्रो SUV है जिसकी कीमत ग्रैंड नियोज i10 से थोड़ा ज्यादा रहेगी। एस्टर ग्रैंड नियोज पर बेस्ड है तो इसके इंटीरियर काफी सिमिलर रहने वाले हैं, बस ग्राउंड क्लियरेंस को छोड़कर, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा होगा। एस्टर में आपको सेम वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो i10 और i20 इसके अलावा ऑरामा भी देखने को मिलता है। आपकी सहूलियत के लिए इसमें मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन भी दिया गया है। इसके अलावा CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये होने वाली है सबसे छोटी SUV जिसकी सीधी टक्कर टाटा पंच से होने वाली है। दोस्तों इनमें से कौन सी गाड़ी लेना आप पसंद करेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।